गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स प्लांट तो हम सभी लगाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, लेकिन अगर कुछ उसके साथ कुछ स्पेशल कर दिया जाए, कुछ DIY बना के उसके साथ साथ लगा दिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे ही कुछ प्रयास मैंने किए हैं अपने पौधों के साथ, कुछ DIY क्रिएट करके। बाज़ार से तो हम सभी कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कि मॉस स्टिक भी हम बाज़ार से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर घर में हम कुछ वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बना लें तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कचड़े में पड़ा हुआ ये सामान इधर उधर फेंकते रहते हैं हम लोग, लेकिन अगर उसका यूज़ कर लिया जाए तो बिना पैसे के ही हमें घर में बहुत ही अच्छे अच्छे DIY मिल सकते हैं। तो आज मैंने यही प्रयास किया है और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे इसको बनाया। तो एक DIY के लिए मैंने कुछ रस्सियाँ ली है और ये मेरे बड़े अमरूद के पौधे का कटा हुआ पार्ट है। सॉरी माय फ्रेंड, कटा हुआ पार्ट है, उसको मैंने लिया है। ये छोटी सी डंडी है जिसके ब्रांचेज निकले हुए हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक दिखता है। अगर ऐसे मॉस स्टिक को हम बनाएं तो आर्टिस्टिक भी दिखता है और हमारा काम भी हो जाता है ट्रेलिंग के लिए। हमारा जो मनी प्लांट है या और भी वाइन वाला पौधा है, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सपोर्ट को अगर खूबसूरती से बनाकर यूज़ किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो यही मैंने बनाया है आज। दो मॉस स्टिक बनाए हैं, दोनों अलग अलग तरह के। तो देखिए मैंने कैसे बनाया है। रस्सी के एक छोर को मैंने नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर बांध दिया है और पूरे जितने भी ब्रांच हैं और लकड़ी का ओपन हिस्सा है, सभी में मैं कवर कर दूंगी रस्सी से। तो इस तरह से मॉस स्टिक का ही काम करेगा। अगर इसको भींगा दिया जाए तो इसकी मनी प्लांट या और भी कोई वाइन जिसमें जड़ें निकलती हैं वो जड़ों से आसानी से पकड़ लेगा। तो ये देखिए मैंने गांठ बांध दी। और आप भी ऐसे ही कुछ प्रयास कीजिए घर में पड़े हुए बेकार सामानों से, तो आपका भी गार्डन सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, और एक दूसरे मॉस स्टिक के लिए मैंने एक लोहे का पतला सा वायर लिया है। पतला, बहुत पतला तो नहीं है, लेकिन फिर ऐसा ही है कि जैसे मुड़ जाए। जो मेरे घर में पड़ा था मैंने वही यूज़ किया, ख़रीदा नहीं है। और ये जूट का बोरा जो आता है जिसमें चावल गेहूँ आते हैं, वो वाला जूट का बोरा को मैंने कट कर लिया है थोड़े चौड़े चौड़े पीसेस में, लंबे और चौड़े पीसेस में, और उसी को मैंने फोल्ड करके इसमें लपेटना शुरू किया है। और पूरे राउंड को मैं इसी तरह से लपेट कर कंप्लीट करूँगी। और ये भी काफ़ी अच्छा मॉस स्टिक का काम करता है। अगर इसको भिगा दिया जाए तो मनी प्लांट की जड़ें या और भी कोई ऐसी जड़ें, फिलोडेंड्रॉन की जड़ें जो निकलती हैं, उसको ये पकड़ लेगा। तो इस तरह से हम ये DIY भी कंप्लीट करेंगे। और अब देखिए मैं कैसे लपेटती हूँ इसको। ये मेरा चौड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है जो काफ़ी लेंदी हो गया है और लगभग ये पूरे राउंड में लपेटने के लिए काफ़ी है। तो इसको हम पूरे अच्छे से लपेट देंगे टाइट करके और पूरा राउंड में ये घूम जाएगा। अगर फिर ब्रांचेज इसकी निकलेंगी तो फिर से मैं लपेट दूंगी। और इस तरह से पूरा ये पूरी वाइन इसको कवर कर लेगा। और इतना कवर होने के बाद इसका जो मॉस स्टिक का ये दिख रहा है वो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो और भी खूबसूरत लगेगा, ग्रीनरी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है ये। जब पूरी ग्रोथ हो जाती है तो और भी खूबसूरत दिखता है।
अभी तो मैं शुरू में लपेट रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को बना लेता है, उसी हिसाब से ये ग्रोथ करता है। जैसा आप उसको बनाएंगे उसी हिसाब से ग्रोथ करता है। मनी प्लांट में ये बहुत बड़ी खासियत है, जैसे उसको ले जाएं, अगर ऊपर लंबे स्टाइल में ले जाएं तो वो लंबा ही चढ़ेगा और उसी तरह से अपने आप को बना लेगा। और ये राउंड शेप में है तो राउंड में ही ये अपना ग्रोथ करता रहेगा और खूबसूरती से बढ़ता रहेगा। और इसके बोड़े वाले पार्ट को मैं भिंगा दूँगी, एक जूट वाले पार्ट को, तो इसके अंदर से जो जड़ें निकलती हैं नोड के पास से, वो उसको पकड़ लेगा। अब ये दूसरे मॉस स्टिक में मैंने ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ीलिया का पौधा को अटैच करूँगी, तो इसका पौधा भी बहुत ही खूबसूरत होता है और मनी प्लांट के ही जैसा ये बढ़ता है, और इसके भी नोड से जड़ें निकलती हैं, तो ये भी अपने नोड से रस्सी को पकड़ लेगा और ग्रोथ करेगा। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हो गई थी और लंबी लंबी इसकी डालियाँ ब्रांचेज जो इधर उधर लटक रही थी, तो इसको भी मैंने अरेंज करने की सोचा और ये मॉस स्टिक बनाया। मैंने सोच लिया था कि इस बार तो मैं बाज़ार से तो नहीं खरीदूँगी, तो इस तरह से ये दोनों मॉस स्टिक बनाकर मैंने दोनों पौधों को सपोर्ट दे दिया है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो जाने पर और भी खूबसूरत देखेगा, और रस्सियों को भिंगा देगा तो बहुत अच्छा मॉस स्टिक का काम करेगा। तो ओके माय फ्रेंड्स, वीडियो मेरी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना। आज बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। ओके माई फ्रेंड्स, बाय बाय।